नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस महानगर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले महायुद्ध में सीटों पर मंथन जारी है। इस बीच सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया कि महाराष्ट्र में बीजेपी के 150 से 160 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है। महाराष्ट्र बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा होगी और इस पर अंतिम मोहर लगेगी। महाराष्ट्र बीजेपी नेताओं की आज दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा होगी, इसलिए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। सीएम शिंदे भी देर शाम दिल्ली जा सकते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि इस गठबंधन में सबसे अधिक सीटों पर बीजेपी लड़ेगी। शिवसेना महायुद्ध में 100 से अधिक और एनसीपी 60 से अधिक सीटों की मांग कर रही है। माना जा रहा है कि शिवसेना को 90 से 95 और एनसीपी को 40 से 45 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एकजुट रही एनसीपी ने 121 सीटों पर उम्मीदवारी उतारे थे और उसने 54 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बाद में एनसीपी में बगावत हो गई और अजीत पवार के साथ ज्यादातर विधायक महायुद्ध में चले गए। 2019 के चुनाव में एनसीपी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ी थी। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।